Hello everyone, welcome back to my channel. First of all, a very big thank you to each and everyone who subscribed to my channel and who is liking my content. And I would also like to request to those who are liking my content, please ho sake to spread this amongst your family members and also amongst your friends, so that we can create our own small community of trading. So ये आने वाले वीक के लिए आई हैव सेलेक्टेड 8 स्टॉक्स फॉर यू. पहले 5 स्टॉक्स जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो स्टॉक्स होने वाले हैं जिनका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है एंड दे आर एट गुड लेवल्स. एंड लास्ट 3 स्टॉक्स जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो स्टॉक्स होने वाले हैं जिनका ब्रेकआउट पहले ही हो चुका था, बट अभी वो एक थोड़ा सा पुल बैक है उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में और वो अच्छे बाइंग लेवल्स में आ चुके हैं. नाउ बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सीधा अपने ट्रेडिंग टर्मिनल में चलते हैं और इन सभी स्टॉक्स का चार्ट देखते हैं. पहला स्टॉक आपके सामने है VST Tylers एंड हम लोग अभी इसका डेली चार्ट देख रहे हैं. सो इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है. वी कैन सी क्लियरली एक परफेक्ट चैनल ब्रेकआउट आया है. इसमें बहुत क्लियरली विजिबल है कि ये काफ़ी महीने से एक ही चैनल में चल रहा था, जैसे कि यहाँ पे नवंबर 2020 में, फिर यहाँ गया नीचे, फिर अगेन जनवरी 2021 में इसने ट्राई किया ये चैनल ब्रेक करने का बट नहीं कर पाया नीचे. तो ये परफेक्ट चैनल में चलते जा रहा था बहुत महीनों से एंड अभी लास्ट थर्सडे को इसने एक बहुत गजब का मूव दिया है एंड वो मूव इतना ऊपर था कि मेरे ब्रेकआउट से नियरली 250 पॉइंट्स ऊपर चला गया था. इसलिए आई थॉट ऑफ नॉट एंटरिंग एट दैट पॉइंट बट टू वेट एंड सी कि फ्राइडे वो कैसे मूव करता है. सो फ्राइडे को मैंने देखा कि इसमें 5% का फॉल आया. सो बेसिकली आई मेड अ स्मॉल एंट्री एट दिस पोजिशन टेकिंग 30% of my risk exposure and Monday मैं फिर ऑब्जर्व करूँगा अगर ये क्लोज टू ये ब्रेकआउट पॉइंट आता है दैट इज़ 2030 तो मैं फिर इसमें ऐड करूँगा. सो बेसिकली इफ़ यू आस्क मी कि इसमें परफेक्ट लेवल ऑफ एंट्री क्या होगा तो एंट्री वुड बी एट अराउंड 2030 टू 2050 बट हु नोज कि वो इतना नीचे आएगा कि नहीं आएगा. सो बेसिकली अगर आपको 2100 के अराउंड भी मिलता है तो आई वुड से कि आप 30% का रिस्क इसमें ले सकते हो एंड देन अगर वो थोड़ा और गिरता है 2050 तक देन रिमेनिंग 20-30% इसमें और ऐड करो और वी कैन एक्सपेक्ट अ क्विक 10% मूव इन दिस. और अगर मेरे को एक टारगेट पॉइंट डिसाइड करना होगा कि टारगेट क्या होगा तो आई वुड चेक वीकली चार्ट ऑफ VST Tylers. तो ये है वीकली चार्ट VST Tylers का और मेरा टारगेट पॉइंट, फर्स्ट टारगेट पॉइंट ये बन रहा है, ये पर्टिकुलर लाइन विच इज़ एट अराउंड 2450. ओके, और एक चीज़, अगर आपको ये स्टॉक के सारे नाम और राइट एंट्री लेवल और टारगेट लेवल अगर आपको ये चार्ट फॉर्मेट में चाहिए सो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मेरे को टेलीग्राम और ट्विटर में फॉलो कर सकते हो. मैं वहाँ पे रेगुलर अपडेट करता रहता हूँ और इन दोनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. सो प्लीज़ यू कैन कंसिडर लुकिंग इनटू इट. स्टॉक विच आई पिक्ड इज नेट लिमिटेड NIIT. इसमें भी सेम पैटर्न, परफेक्ट चैनल ब्रेकआउट है. ने अपना लास्ट डे ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट भी दिया है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट. लुक एट द वॉल्यूम्स और क्लोजिंग भी अच्छा है. और ये लास्ट डे मूव, इतना बड़ा मूव इसलिए आया था बिकॉज लास्ट डे वॉज द रिजल्ट डे ऑफ नेट लिमिटेड और इसने काफ़ी अच्छी रिजल्ट्स दी है. सो इसमें भी अच्छा क्विक स्मॉल मूव आ सकता है विच इज़ अराउंड 8-10%. सो इफ़ यू आस्क मी कि इसका राइट एंट्री लेवल क्या होगा तो इसका
right entry level would have been at around 211, and I'm expecting a target of around 250 very quickly. Now the next stock which I picked is Oberoi Realty. तो अभी हम लोग जो चार्ट देख रहे हैं वो ओबेरॉय रियल्टी का वीकली चार्ट है. सो वीकली चार्ट में वी कैन क्लियरली सी कि ओबेरॉय रियल्टी में इस वीक एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है. जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट था 2018 में व्हेन इट ट्राइड टू ब्रेक दिस लेवल बट रिवर्स हुआ. अगेन ये ऊपर गया एट अराउंड मिड ऑफ 2019 इट ट्राइड बट अगेन अच्छा रिवर्स हुआ एंड देन इट ट्राइड अगेन 2021 में, नहीं हो पाया. एंड अभी लास्ट वीक इसने एक अच्छा मूव दिया विद ग्रेट वॉल्यूम्स एंड क्लोजिंग अबव दिस ब्रेकआउट लाइन. सो मल्टी ईयर ब्रेकआउट के साथ साथ आप देख सकते हो कि इसमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट आया है, which you can see here. This one you can consider is as left shoulder. ये हो गया उसका head and ये हो गया right shoulder and the breakout is given here. So इसमें strategy would be, अगर right entry level पूछोगे तो it would be 630. So जैसे कि आप जानते हो कि the strategy which I follow is 630 प्लस 2% का लेवरेज मैं लेता हूँ. अगर 2% के ऊपर तक मिले तो मैं इसमें 70% ऑफ माई रिस्क एक्सपोजर इसमें मैं एंट्री ले लेता हूँ. एंड अगर वो थोड़ा सा गिरे उसके बाद देन मैं रिमेनिंग 30% इन्वेस्ट कर देता हूँ इसमें. और स्टॉप लॉस का सिंपल स्ट्रैटेजी है कि आपका जो वीकली कैंडल है उसका लो पॉइंट यू कैन कंसिडर एज अ स्टॉप लॉस. So just to summarize, right entry level would be 630 and target I'm expecting, as it is an all-time high breakout. So 10% jaise hi achieve hota hai, you can start trailing your profits. That is a strategy which I personally follow. Next stock which I picked is Indiabulls Housing Finance. So isme bhi nearly ek saal hone wala hai jisme wo perfect range mein hi matlab ट्रेड कर रहा था. सो वी कैन कॉल इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस एज ऑल्सो अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट. यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो सिंपल जून 2020 में इट रीच्ड अप टू दिस लेवल, देन अगेन रिट्रेस्ड बैक, देन अगेन ट्राइड एट दिस पॉइंट जनवरी 2021 बट नहीं कर पाया. सो ये पैटर्न बेसिकली बहुत अच्छा होता है जहाँ पे ये पर्टिकुलर लाइन को एक अच्छा रेजिस्टेंस माना जाता है. क्यों माना जाता है? बिकॉज इट ट्राइड टू ब्रेक दिस लेवल 3 बार, 1, 2, 3 3 बार ट्राई किया बट वो नहीं ब्रेक कर पाया. सो अब जब इसका क्लोजिंग इतना अच्छा हुआ है अबव दिस लाइन, सो इट इज़ एन इंडिकेशन दैट इट कैन शो रियली गुड मूव एंड दैट टू वेरी क्विकली. अब इसका वॉल्यूम देखो तो इसमें वॉल्यूम से भी आपको अंदाजा हो जाएगा. सो इसमें भी सिंपल स्ट्रैटेजी, राइट एंट्री लेवल वुड बी एट अराउंड 256. सो अभी 261 में मिल रहा है तो बेसिकली इफ देर इज़ नॉट अ गुड गैप अप ऑन मंडे सो वी कैन डेफिनेटली टेक स्मॉल रिस्क इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. एंड अगर आप मेरे से टारगेट पूछोगे तो टारगेट आई वुड सी इट इन वीकली चार्ट. ये है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस का वीकली चार्ट. सो बेसिकली द फर्स्ट टारगेट इफ यू आस्क मी वुड बी एट अराउंड 350. बट मैं फिर आपको बता रहा हूँ द स्ट्रैटेजी विच आई फॉलो इज कि जैसे ही मेरा 12% अचीव हो जाता है आई स्टार्ट ट्रेलिंग माई प्रॉफिट्स. ऐसा नहीं है कि आई कीप waiting in this particular stock till the level of 350 is achieved. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कोई टारगेट सेट कर लिया अपने दिमाग में तो मैं तब तक उस पर्टिकुलर स्टॉक में रुका रहूँगा. सो दिस स्ट्रैटेजी बेसिकली डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. आई पर्सनली फॉलो द स्ट्रैटेजी वेर इन इफ
12% is achieved within a week, I start my trailing the profits. And just to show you कि अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊँ और मैं अगर दिखाऊँ कि अगर ये 350 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद इसका कोई नियर टाइम रेजिस्टेंस नहीं है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में. सो बेसिकली इफ 350 इज़ ब्रोकन तो यू कैन सी एन एस्टिमेट द टारगेट इट विल अचीव. नाउ द ब्रेकआउट कैटेगरी का लास्ट स्टॉक दैट इज़ पांचवा स्टॉक वो है हेरिटेज फूड्स. एंड अभी आप जो देख रहे हो वो हेरिटेज फूड्स का वीकली चार्ट है. इसमें भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है इफ़ यू सी एट दिस लेवल. ये था लेवल आपका June 2019. इट ट्राई टू ब्रेक दिस लेवल, नहीं ब्रेक कर पाया. अगेन ट्राई किया, अगेन इट ट्राइड एट January 2020, नहीं ब्रेक कर पाया. एंड देन इट स्टार्टेड रिट्रेसिंग बैक, कंसोलिडेशन चला. एंड नाउ लुक एट दिस क्लोजिंग, यहाँ पे क्लोजिंग देखें, क्लोजिंग इज़ वेरी गुड. लास्ट वीकली कैंडल भी बहुत अच्छा है, वॉल्यूम तो सुपर्ब है. सो डेफिनेटली यू कैन कीप दिस स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट. एंड वही अगर आप अपने को एंट्री लेवल डिसाइड करना हो तो एंट्री लेवल वुड बी एट अराउंड 395. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ टारगेट ऑफ अराउंड एट दिस मार्क, ये वाली लाइन दैट इज अराउंड 570. नाउ जो हमारी सेकेंड कैटेगरी थी दैट इज पुल बैक स्ट्रैटेजी, सो उस कैटेगरी का फर्स्ट स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया वो है सुमिकेम. इफ़ यू केयरफुली सी पिछले कितने सालों से वो एक रेंज में चल रहा था, कितने महीनों से एक रेंज में था. यहाँ June 2020 रेंज में चला. इट ट्राइड टू ब्रेक एट दिस पॉइंट January 2021 में, बट नहीं ब्रेक कर पाया. अगेन नीचे गया. एंड नाउ वेडनेसडे को इसने एक एक्सेलेंट ब्रेकआउट दिया विद ग्रेट वॉल्यूम्स. जस्ट लुक एट दिस वॉल्यूम. एंड लास्ट टू डेज में इफ़ यू केयरफुली सी इसमें एक पुल बैक आया है, बट स्टिल इसके क्लोजिंग ये ब्रेकआउट लाइन से ऊपर ही है. सो ये पर्टिकुलर सिचुएशन मेरे लिए एक लो रिस्क सेटअप सिचुएशन होता है जहाँ पे वी कैन टेक स्मॉल रिस्क एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि एंट्री लेवल अच्छा है. एंड बेसिकली आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें अच्छा है, रिस्क बहुत कम है एंड रिवॉर्ड थोड़ा हाई है. सो राइट एंट्री वुड बी एट अराउंड 360. And I'm expecting a quick 10% move in this. Same thing, 10 को 10 ही मत मान लेना. Keep the habit of trailing your profits. जैसे मान लो अभी आपने 10% अचीव कर लिया है तो आपका स्टॉप लॉस अब 8% तक रख दो, सो दैट अगर वो ऊपर जा रहा है तो यू कैन चेंज योर स्टॉप लॉस इन दैट मैनर. नाउ द नेक्स्ट स्टॉक विच आई पिक इज कोठारी पेट्रोकेम. एंड अभी आप जो चार्ट देख रहे हो वो मंथली चार्ट है कोठारी पेट्रोकेम का. मंथली दिखाने के पीछे पर्पस ये है कि एक्चुअल में इसका मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया था, लास्ट ही मंथ आया था. और मैंने इसमें वीडियो भी बनाया था कि कोठारी पेट्रोकेम में मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया. जैसे ही ब्रेकआउट आया जस्ट सी द मूव इट गेव, यहाँ तक गया था, दैट इज़ अराउंड 51 देने के बाद इट जस्ट शोड अ गुड रिट्रेसमेंट और हमारे ब्रेकआउट लाइन तक अभी वो आ चुका है. और अगर मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊं तो आपको समझ आएगा कि ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट लाइन कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. ये रहा कोठारी पेट्रोकेम का डेली चार्ट. सी ये ब्रेकआउट लाइन जो मैंने बनाई थी एट अराउंड 36, जस्ट देखिए 36 इज एक्टिंग एज सच अ ग्रेट सपोर्ट. लास्ट डे इट ट्राइड टू ब्रेक दिस लाइन और देखिए टच करते ही वो झट से ऊपर चला गया.
एंड इट क्रिएटेड अ बुलिश हैमर। अगर आप ठीक से देखो तो यहाँ पे एक हैमर बना, बुलिश हैमर, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये एक रिवर्सल दिखाएगा अब। सो बेसिकली द स्ट्रैटेजी इन दिस स्टॉक वुड बी राइट एंट्री लेवल तो 36 होने वाला है बिकॉज 36 वॉज द ब्रेकआउट पॉइंट, बट स्टिल अगर मंडे को थोड़ा सा और गिरता है सो डेफिनेटली यू कैन स्ट्रेट अवे टेक रिस्क इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। एंड अगर गैप अप एट अराउंड 5 मतलब गैप अप काफ़ी अच्छा हो जा रहा है देन नो नीड टू एंटर, वेट फॉर इट टू कम डाउन टू अराउंड 38-37 में मिलता है, सो वी कैन एंटर एंड द टारगेट वुड बी एट अराउंड 48-50 विच इज़ अ क्लोज टू 20% टारगेट। लास्ट स्टॉक एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया आप लोग के लिए। बेसिकली इसमें अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया है बट ऑब्जर्विंग द लास्ट फ्यू वीक्स सॉरी लास्ट वीक का जो मैंने इसमें मूव देखा है एंड द वॉल्यूम, मेरे को लग रहा है कि इसमें नाउ इट कैन शो अ ब्रेकआउट एंड इट कैन शो क्विक मूव। सो बेसिकली सिंपल चार्ट में अगर देखें तो अपने को सिंपल दिख रहा है कि इट वॉज एक्चुअली ट्रेडिंग इन रेंज फॉर क्वाइट सम टाइम, बहुत महीनों से वो एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है एंड बेसिकली लास्ट डे इट ट्राइड टू ब्रेक दिस पॉइंट बट वो स्टिल क्लोजिंग नहीं देख पाया एज एक्सपेक्टेड, सो क्लोजिंग इज स्टिल बिलो द ब्रेकआउट पॉइंट। बट अगर आप वॉल्यूम चेक करो तो वॉल्यूम गिव्स मी एन इंडिकेशन कि इसमें बहुत जल्दी ब्रेकआउट आएगा एंड इट कैन गिव अ क्विक मूव। सो बेसिकली इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। So right entry for this stock would be at around 355. Whenever you see a closing above 355, you can definitely enter in this particular stock. For a target of first target hoga aapka this line which is around 420-425. Guys, these were the total list of stocks which I had selected for you. अगर आपको वीडियो सही लगे तो प्लीज़ रेफर इट टू योर फ्रेंड्स योर फैमिली मेम्बर्स एंड ऑल्सो प्लीज़ डू कंसिडर ज्वाइनिंग मी इन ट्विटर एंड टेलीग्राम। थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।